पंडित सुरेश गुरुजी दुनिया के सबसे बड़े गुरुजी काला जादू और वशीकरण एक्सपर्ट, जो अपनी अद्भुत शक्ति से करेंगे आपका काम लव मैरिज आफ्टर मैरिज सॉल्यूशन जैसी आवम समस्या का समाधान होगा आपका काम 100% गारंटी के साथ। अभी कॉल करें 9998906612 तुरंत गुजरा। जय त्रिकाल देव, जय माता मसानी की, जय काल भैरव। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में हमारे YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक महाशक्तिशाली शमशान में आप कपड़े से वशीकरण किस प्रकार से कर पाएंगे। एक कपड़ा चाहिए जिसको भी वश में करना चाहते हैं, और एक आपका कपड़ा, इन दोनों कपड़ों का एक किस प्रकार से पुतला बनाकर आप एक महाशक्तिशाली वशीकरण साधना करेंगे। ये साधना करने के लिए दोस्तों अबीर गुलाल कुमकुम चाहिए और हवन की सामग्री चाहिए। हवन की सामग्री में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कुछ लौंग हवन की सामग्री में डालेंगे, कुछ अजमेरी लोबान ऊद आपको डालना है हवन की सामग्री में, और इस प्रकार से आपको एक मिश्रण तैयार करना है और इसकी 108 आहुति शमशान में आपको देनी है। और दोस्तों, ये साधना आपको अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन या शुक्रवार को अमावस्या को ये साधना आप शमशान में कर सकते हैं। एक चिता वहाँ पर जल रही है, एक चिता आज यहाँ पर जलेगी। तो दोस्तों, जब परिजन कोई ऐसी पवित्र आत्मा का आपको चयन करना है जिसने जीवन पर्यंत अच्छे कर्म किए हो, वैसी आत्मा का आपको चयन करना है और उसी दिन ये साधना करनी है। उस दिन चाहे शुक्रवार या अमावस्या अगर नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन आत्मा, ऐसी पवित्र आत्मा का आपको चयन करना है जिसकी चिता के ऊपर आप एक वशीकरण साधना कर पाए। आपके गांव में, शहर में कोई ऐसी पुण्य आत्मा जिसका दाह संस्कार हुआ है, और दाह संस्कार होने के बाद में जब परिजन चले जाते हैं तब जाके आपको दिन में करो चाहे रात्रि में करो, ये साधना आपको करनी है। इस साधना को करने के लिए दोस्तों फिर आप शमशान में आप आराम से चले जाइए और इस प्रकार से हवन की कुछ लकड़ियाँ लेके जाइए जिस पे आप हवन कर सकें, और फिर जो मैं मंत्र बताता हूँ आप उस पुण्य आत्मा के लिए 5 अगरबत्ती कर लीजिए और उस आत्मा को आह्वान कीजिए कि हे पवित्र आत्मा, आज मैं अमुक स्त्री या पुरुष का वशीकरण करने के लिए शमशान में आया हूँ, और इस पूजा को सफल बनाने के लिए, ये मेरी वशीकरण साधना को सफल बनाने के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। फिर उस पुण्य आत्मा को प्रणाम करके शमशान की कुछ आप राख ले लीजिए और पुतले के ऊपर इस प्रकार से डाल दीजिए, और थोड़ा सा सिंदूर अभी डाल लीजिए, कुछ कुमकुम डाल लीजिए और 5 अगरबत्ती कर लीजिए। फिर दोस्तों, जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 108 आहुति शमशान की चिता में देनी है। मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ओम नमो काली के काल रूप रक्त बीज नाशिनी मम कामना पूर्ति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो मंत्र मैं स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि यह तो कोई पुण्य आत्मा कि जब शमशान घाट में दाह संस्कार हुआ है तब जाके करनी है साधना। अगर कोई पुण्य आत्मा आपको नहीं मिलती है तो शमशान में जाकर 5 अगरबत्ती जलाकर शुक्रवार को चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण या अमावस्या को रात्रि को 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपको ये साधना करने के लिए शमशान में जाना है, और किसी भी पवित्र आत्मा को प्रणाम करके आपको बोलना है कि हे पवित्र आत्मा, आज जो मैं पूजा वशीकरण की साधना करने के लिए आया हूँ, आपका आशीर्वाद प्रदान करें। फिर दोस्तों, शमशान में इस प्रकार से आहुति देनी है,
इस मंत्र की ओम नमो काल के काल रूप रक्त बीज नाशिनी मम कामना पूर्ति कुरु कुरु स्वाहा। फिर दोस्तों इस पुतले को आप अगरबत्ती का धूप देके 7 बार शमशान की चिता के ऊपर इस प्रकार से 7 बार घुमाइएंगे। घुमाने के बाद में आपको एक नींबू लेना है और इस नींबू के ऊपर दोस्तों आपका नाम और प्लस लड़की का नाम इक्वल टू प्यार लिखना है। जैसे आपका नाम है आकाश, मान लीजिए आपका नाम है आकाश, आपकी और प्लस आप किसी चंदा नाम की लड़की को प्यार करते हैं या कोई भी लड़की हो, और इक्वल टू प्यार लिखना है। ये प्यार दोस्तों खतरनाक चमत्कारिक साधना है, आजमाई हुई है, सफल और सिद्ध है। और नींबू के ऊपर नीचे लिखना है ओम क्लीम, ओम क्लीम, इस देख लीजिए आपको लिखा हुआ है ओम क्लीम, नीचे भी लिखेंगे ओम क्लीम। इस प्रकार से ऊपर नीचे ओम क्लीम लिखेंगे, बीच में आप दोनों का नाम इक्वल टू प्यार लिखेंगे, और फिर इस प्रकार से नींबू के ऊपर किसी भी लाल धागे से इस नींबू को पुतले के ऊपर बांध देना है और फिर वापस 7 बार इसको इस प्रकार से घुमाना है। और घुमाने के बाद में दोस्तों जहाँ पर आपने 108 आहुति दी है, जहाँ पर आपने साधना की है, वहीं पर आपको इसको गड्ढा खोद कर आपको दफना देना है, दबा देना है 1.5-2 फुट गड्ढा खोद के। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि हवन की आहुति में सामान्य सी चीज है लौंग और लोबान, अजमेरी लोबान उद, ये मिक्स करना आप नहीं भूले। लौंग और उद मिक्स करके इसकी आपको आहुति देनी है, तभी ये साधना आपकी सफल और सिद्ध होगी। दोस्तों इस प्रकार से की जाती है, कपड़े से शमशान में किसी स्त्री या पुरुष के कपड़े से शमशान में साधना, जिस किसी के भी कपड़े से आप ये साधना करेंगे वो 101% मेरा चैलेंज है, गारंटी है कि वो आपके वश में होगा ही होगा, क्योंकि और वो भी जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि आदमी का जीवन का अंतिम पड़ाव है मृत्यु। जब तक इंसान वो जिंदा रहेगा तब तक आपके वश में रहेगा। इसीलिए दोस्तों इसको बोलते हैं आजीवन कपड़े से शमशान में वशीकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये हमारा टाइटल है आज का। दोस्तों ये साधना आपको, दोस्तों ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं शमशान की और भी पावरफुल साधनाएं आपको घर बैठे सिखा सकूँ। धन्यवाद। नमस्कार।